लुधियाना शहर में शरेआम गुंडागर्दी के नाच का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब दर्जन भर लोग एक दुकानदार की तेजधार व अन्य हथियारों के साथ हमला कर बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त पिटाई के बाद पीड़ित दुकानदार को मृत जानकर सभी आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। पीड़ित दुकानदार इस वक्त लुधियाना शहर के एक निजी अस्पताल में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस इस गंभीर मामले में टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है और अभी तक इस हमले में शामिल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और तो और पुलिस मीडिया से भी इस मामले में बात करने से कतरा रही है और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनकी वो करियाने वगैरह की दुकान और सिलेंडर वगैरह बेचते हैं, तो उनके ऊपर 745 पे कुछ अननोन लड़कों ने आके अटैक किया, तो इन टोटेलिटी उनके कोई 8-10 चोटें लगी हैं, ज़्यादा चोटें लेग्स के ऊपर हैं। जो इंजरी रिपोर्ट है वो दैट इज़ स्टिल अवेटेड, वो हम लेने वाले डीएमसी से। तो जो जगराम यादव है वो अंडर ट्रीटमेंट है, पर्चा हमने 15 तारीख को दर्ज कर दिया था अंडर सेक्शन 452-506 IPC अगेंस्ट अननोन पर्संस। अभी कुछ उनकी जो जागराम यादव की स्टेटमेंट है उसमें हम उनकी स्टेटमेंट लेके कुछ लोगों को वो नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, वो देखेंगे उनकी क्या उनका रोल है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।